छात्र, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पहली कविता पत्ते का खेल उसका पार्ट 3 लेंगे। बच्चों, पार्ट 1 और 2 में हमने कविता का स्वस्वर गान कर लिया था और उसकी अच्छे से समझ प्राप्त कर ली थी। बाद में हमने यह कविता का अभ्यास भी अच्छे से देख लिया और सारे प्रश्नों के उत्तर हमको अच्छे से आ गए हैं। बच्चों, हमने कविता में देखा ना कि पेड़ों का तो बहुत महत्व होता है, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आइए अब पार्ट 3 में हम यही समझेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है, वृक्ष हमारे साथी कैसे, यह हमको लिखना है। और उसके बाद हम पेड़ के पत्तों को सुखा के उसका ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसका ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। और बच्चों, आगे हम एक कविता भी उसमें दी गई है, उसको भी हम रीड करेंगे। बच्चों, यहाँ पे है सोचो और लिखो, वृक्ष हमारे साथी है कैसे, यह प्रश्न दिया गया है। उसका उत्तर है, वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं। वृक्ष से फल, फूल, लकड़ी, अनेक प्रकार की औषधियाँ, प्राणवायु आदि मिलता है। वृक्ष हमें छांव देते हैं। वर्षा लाने में भी वृक्ष ही सहायता करते हैं। इस तरह वृक्ष हमारे साथी है। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना कि वृक्ष हमारे साथी कैसे है। वृक्ष से हमें बहुत कुछ मिलता है, वृक्ष हमें सदैव देते ही रहते हैं, इस तरह से वृक्ष हमारे साथी है। बच्चों, आगे क्या है, कुछ करने को। इसमें है अलग अलग पेड़ों के पत्ते किताब में रखकर सुखाओ और उन्हें विभिन्न आकारों में चिपकाकर ग्रीटिंग कार्ड बनाओ। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग पेड़ के पत्तों को आपको लेने हैं और अपनी किताब के बीच रख देने हैं। आपको 2-3 दिन में वो पत्ते अच्छे से सूख जाएंगे। बाद में हम उस पत्तों के ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। ग्रीटिंग कार्ड मैं आपको भेज रही हूँ, जो कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बनाने हैं। पहले आप अपनी बुक के बीच में पत्ते रख देंगे और उसे सुखा लेंगे। तरह तरह के पत्ते को लेकर हमको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। जैसे कि देखो, ये ग्रीटिंग कार्ड्स में कैसे नीम का पत्ता है, बरगद के पेड़ का पत्ता है, करेंड के पेड़ का पत्ता है। सारे पत्ते को सुखा कर फिर उसे अच्छे से इस तरह से चिपकाया गया है कि चिड़िया बन जाए, तोता बन जाए या तो फिर कोई डिज़ाइन बन जाए। इस तरह से आपको भी घर पर ऐसे पत्ते सुखा कर बाद में उसे अलग अलग तरीके से चिपका कर उनके ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं। यह कविता पढ़कर वृक्षों की महत्ता जानो। घास, पत्ते, पेड़, पौधे जीवन के आधार। मत मारो, मत उजाड़ो, मत करो संहार। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, करो वृक्षों से प्यार। वर्षा जल है हमको देते, गंद गंद की कोई हर लेते। धूल धुआं खाकर भी शुद्ध हवा हम सबको देते। चकड़े रखते भूमि को यह, उड़ने दे न बहने दे। भरा पूरा हो परिवार इनका जहां, अकेला किसी को न रहने दे। इनके बिना कुछ नहीं, कैसे जी पाएंगे हम। मिटाकर पेड़ पौधों को खुद को ही मिटाएंगे हम। यहाँ पे वृक्ष की महत्ता बताई गई है। बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। बच्चों, आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में एक प्रश्न दिया गया है, वृक्ष हमारे साथी कैसे, उस प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है। और हाँ, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक पेज भेजूंगी,
उसमें उस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको देख के अच्छे से उस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। बाद में हमने देखा ना कि ग्रीटिंग कार्ड्स पेड़ के पत्ते को सुखाकर अच्छे से बनाए गए थे, तो आपको भी एक ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, पेड़ के पत्ते को सुखाकर फिर उसको इस तरह से चिपकाना है कि ग्रीटिंग कार्ड बन जाए। तो बच्चों आपने देखा ना कि वृक्ष तो हमारे साथ ही है। बच्चों पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए ना। हाँ हमने देखा ना कि कितने पेड़ कितने उपयोगी है हमें, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो अभी बारिश का समय चल रहा है ना, तो आशा रखती हूँ कि आप भी अपने आंगन में अवश्य पेड़ लगाएंगे। बच्चों पेड़ लगाएंगे ना और उसको रोज पानी देंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमारी पहली कविता पत्तों के खेल उसका कार्य इधर पूर्ण होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।